हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद सिमान। और आज मैं लेके आया हूँ एक प्रोडक्ट जो कि हमें ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, जो कि है कैशन का ये बाइनोकुलर। और ये कैशन का एक अच्छा वाला बाइनोकुलर है, अपने प्राइस रेंज के बेसिस पे ये बहुत ही अभी मार्केट में बहुत ही एस्टेब्लिश किया है और ये बहुत ही सेलिंग में है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है वो सब देखते हैं। तो पहला तो ये तो कवर जो दिया हुआ है ये सॉलिड दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है कैशन और बाइनोकुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ प्राइस टैग लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्राइस टैग है वो डिफरेंट है करंट प्राइस के बेसिस पे। और ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि बाइनोकुलर कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, नॉर्मली लोग कैसे यूज़ करते हैं इस लोगों को, जैसे बोटिंग, स्पोर्ट और बीच ट्रैवल, बेटर हॉर्स राइडिंग, बहुत ही कुछ, मतलब हॉर्स रेसिंग के टाइम बहुत ऐसे इस जगह पे लोग बाइनोकुलर का यूज़ करते हैं। तो अभी ये रहा, तो ये कुछ देख सकते हैं, अभी ओपन कर रहे हैं हम, तो इसमें कुछ ऐसा दिखता है। और हमारा ये रहा, ओके, इसके अंदर पहले तो ये रहा पाउच, और इसके अंदर एक पेपर दिया हुआ है जिसमें कि ओके, इसमें लिखा हुआ है कि स्टेप वन, मतलब स्टेप टू, स्टेप थ्री, कैसे इसको यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, मतलब बाइनोकुलर को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अभी ये जो था ये पैकेज था, पैकेज के अंदर से ये दिया हुआ है, तो इसको अभी हम निकाल के देखते हैं। तो ओके, पहले दिया हुआ है एक बैग जो कि अच्छा वाला फिनिश्ड वाला बैग है, और मतलब क्वालिटी अच्छा है बैग का भी। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया गया है यहाँ पे, इसमें भी कुछ पेपर दिया हुआ है, तो इस पेपर को देखेंगे। तो इस पेपर में एक आई थिंक यूज़र मैनुअल होगा, तो ये दिया हुआ है यूज़र मैनुअल, सो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब दिया हुआ है। तो पहले ये बैग के साथ स्ट्रिप दिया हुआ है, ताकि अगर कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो तो ये वाला स्ट्रिप, जो बैग का स्ट्रिप है, ये आपको कैरी करने के लिए, बाइनोकुलर कैरी करने के लिए बहुत ही हेल्प होता है। तो ये रहा बैग, ये फाइनल में आ गया। अभी ये बाइनोकुलर, ये बाइनोकुलर देख सकते हो, ये कुछ मैं जो लिया हूँ, मुझे जो मतलब पसंद था, ये ब्लैक और ऑलिव ग्रीन वाला कलर मुझे पसंद था, तो अभी मैं इसको ही ले लिया हूँ। तो इसको देख के मतलब अच्छा लग रहा है, ये प्रीमियम लुक भी है और प्रीमियम वाला क्वालिटी भी फील करवाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैशन का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और ये साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है कि 80x40 दिया हुआ है, 420 ft और कोटेड ऑप्टिक्स दिया हुआ है, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ इसके ऊपर। और ये बाइनोकुलर कुछ ऐसा दिखता है, अगर 360 व्यू के थ्रू देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो ऐसा दिखता है। तो बिल्ड क्वालिटी मैं अगर बोलूँ तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, और देखा जाए तो इसका जो ये जो है ये कुछ रबर वाला फील देता है, तो मतलब अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है और कंपनी ने अच्छा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये रबर वाला फील दे रहा है तो अच्छा ही है। और उसका मतलब ऐसा कोई नहीं कि फिटिंग में भी कोई इशू नहीं लग रहा है, फिटिंग में भी सही सही लग रहा है। तो ये था बिल्ड क्वालिटी, अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत ही सॉलिड अच्छा वाला बिल्ड क्वालिटी दिया हुआ है ये लोगों ने। तो ये था बिल्ड क्वालिटी। अब चलते हैं इंटरनली ये कैसा है, तो यहाँ पे देख सकते हो वो दो प्रोटेक्टर लेंस, फ्रंट लेंस प्रोटेक्टर दिया हुआ है, तो ये फ्रंट लेंस प्रोटेक्टर, और ये जो था बैक आई के पास होता है वो उसका प्रोटेक्टर दिया हुआ है। तो इसमें इसके निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, तो ये जो है ये 8mm है, और ये साइड में दिया हुआ है 40mm, जो कि स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था कि 40mm और 8mm का, तो ये है वो दोनों। और तो अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज में अगर मैं बोलूं तो पहला एडवांटेज है जो कि ये मूवेबल है, देख सकते हो,
ये मूवेबल है। तो ये अपने फेस के हिसाब से, अपने आई सेंटरिंग के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक रहा, एक एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज रहा, क्योंकि अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये कुछ ऐसे ऐसे चेंज हो सकता है, अपने फेस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके सेकंड एडवांटेज आता है, क्योंकि हमेशा इसको पिक करके रखने में प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप, ये फ्रंट में दिया हुआ है एक ट्राइपॉड होल्डर, तो यह इस ट्राइपॉड होल्डर को यूज़ करके आप उस ट्राइपॉड के सहारे बहुत टाइम तक एक जगह पर रख सकते हो। ये ट्राइपॉड होल्डर जो दिया हुआ है, इसको ऐसे दिया हुआ है, ये एक एडवांटेज है कि आप इसको ट्राइपॉड में भी होल्ड करके रख सकते हो। तो ये रहा दूसरा एडवांटेज। और तीसरा एडवांटेज ये रहा कि आप लेंस को ना फोकल लेंथ के बेसिस पे आप इसको सही जगह से रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे जीरो पे रहेगा ये। उसके बाद आपका जो फोकस्ड है, उस फोकस का क्लियरिटी के ऊपर आप इसको चेंज कर सकते हो ऐसे। ये राइट साइड में है, नॉर्मली आप इसको चेंज कर सकते हो ऐसे। तो ये रहा राइट आई के लिए, अगर आपको व्यू जो है क्लियर करना है तो आप इसको ऐसे इसमें इसके सहारे करना पड़ेगा। और अगर आपका लेफ्ट साइड के लिए, यहाँ पे इसका मूवेबल ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है राइट साइड के लिए, ये लेफ्ट साइड का फिक्स्ड है। तो इसको ना लेफ्ट साइड के आई के लिए फोकस करने के लिए इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर देख सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो ये वाला पार्ट जो है नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है। अगर मैं फिर से घुमा रहा हूँ तो अपोजिट ये ऊपर जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बेसिस पे हम लेफ्ट साइड के जो फोकस्ड है उसको हम फोकस कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर फोकस क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। तो नॉर्मली भी जब भी व्यू करते हो, पहले अपना मतलब फेस के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद जो पॉइंट देख रहे हो उसके बेसिस पे आपको क्लियर करना है इस, ये राइट आई के लिए इसको, और लेफ्ट आई के लिए ये अपर वाले पार्ट को, ये अपर वाले पार्ट को। तो ये ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं ये बायनोकुलर। मैं जितना देखा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही वेट है, ये इसका वेट कुछ अराउंड 500 to 600 ग्राम है। तो कुछ ज़्यादा ही वेट है, जैसे कि हम ट्रैवलिंग कहीं पर कैरी करते हैं तो मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा जो वेट है वो लोड होता जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही वेट है, लेकिन वर्थ मनी है, मतलब वर्थफुल है। अगर आप ले रहे हो इसको तो वर्थफुल होगा, ये तो सही है। और एक बात इसका मतलब डिसएडवांटेज बोलूँ तो, जब मैं देख रहा हूँ कि अगर कहीं पे मैं जूम करके रखा हूँ, तो जूम करके रखने पर कि 100 mm की इमेज को टारगेट किया है, तो उसी को ही क्लियर और उसी को ही ब्लर वैसा ही होता है। अब उसके आगे नहीं आ सकते, उसके पीछे नहीं जा सकते, जूमिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो जूम नहीं हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। अगर एक फिक्स्ड लेंथ फोकस्ड प्लेस में लगा हुआ है तो एक फोकस्ड प्लेस पे ही लगा हुआ है, जूम एक्स्ट्रा जूम या जूम इन जूम आउट वो नहीं हो रहा है। तो वो मुझे एक लगा कि मे भी शायद मुझे नहीं पता होगा, लेकिन ये मुझे लगा कि इसमें मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। बाकी जितना भी वो फिक्स्ड वाला इमेज दे रहा है वो वाला क्लियर है, लेकिन जूम इन जूम आउट का नहीं है। और तो ये रहा कुछ डिसएडवांटेजेस इसका मैं जो देखा हूँ। तो फाइनल में इसका प्राइस अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में ही कुछ 1500 to 1600 के बीच में आ रहा है, जो कि इसका नॉर्मल पहले वाला प्राइस जो आप देख सकते हो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है ये कुछ 3000 के आसपास था, लेकिन अभी 1500 to 1600 के बीच में मिल जाता है। अगर ऑफर में ले लिए तो उससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। लेकिन बोला जाऊँ तो ये प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी और उसका मतलब बिल्ड क्वालिटी और मतलब हैंडी में भी बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह सब कुछ मतलब सही है। जितना भी अगर प्राइस टू मतलब देखा जाए, अगर प्राइस को देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही सही है। मैं बोलूँगा कि एक बार लेके ट्राई करो, क्योंकि बाहर जाते हैं अगर दूर के जगह पे हमारे पास उतना कैमरा नहीं रहता है कि जूम करने के लिए, जो कि ये काम करेगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल का DSLRs या फिर जूम लेंसेस नहीं है, जो कि और मोबाइल में भी इतना जूम नहीं कर सकते जो कि ये काम करेगा।
कम प्राइस में ये आपको सेटिस्फाइड करेगा कि वो व्यूज आपको देखने के लिए ये सेटिस्फाइड कर सकता है। तो ये रहा मेरा इनबॉक्सिंग वीडियो और थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रिव्यू इस कैशन प्रोडक्ट बैनाक्लब प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं ऐसा ही वीडियो लेते आऊँगा मेरे पास, मतलब ट्रैवलिंग का जो भी आइटम्स है, सीरीज और ट्रैवलिंग वीडियोस में दिन डालता रहूँगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।